वसीम अकरम ने सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते हुए उन्हें गले क्या लगा लिया, भड़क गए पाकिस्तानी खिलाड़ी। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, शोएब अख्तर से लेकर मोहम्मद हफीज जैसे खिलाड़ियों ने अपने ही हमवतन खिलाड़ी वसीम अकरम को भला बुरा कहते हुए जो बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या बोला है इन खिलाड़ियों ने वसीम अकरम को लेकर, चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। हाँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया। एक बार फिर से दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने सबका दिल जीतते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सूर्या ने टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए 28 गेंदों में 53 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 3 खूबसूरत छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव की इस दहशत भरी बल्लेबाजी के दम पर ही टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के सामने 181 रन बनाए और आखिर में भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 47 रन से जीता। इस जीत के बाद सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें वसीम अकरम ने दिया। जी हाँ, सूर्या को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते हुए वसीम अकरम ने उन्हें दिल से गले लगाया और बस इतना ही काफी था। आपको बता दें, वसीम अकरम को ट्रोल करते हुए बाबर आजम ने कहा, जिस तरीके से वसीम भाई ने सूर्या के लिए प्यार दिखाया है, ऐसा प्यार तो उन्होंने कभी अपने देश के खिलाड़ियों के लिए भी नहीं दिखाया। आज भारत के लिए उनका यह प्यार देखकर सच में हैरानी हो रही है। अगर इसी तरीके से वो अपने खिलाड़ियों को ट्रोल करने के बजाय अपने खिलाड़ियों को इस तरीके से टिप्स देते, उन्हें प्यार करते, तो शायद आज नतीजा कुछ अलग होता। दोस्तों, बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान ने भी बड़ा बयान दिया। मोहम्मद रिजवान ने कहा, ये सच में चौंकाने वाला था। आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना था, आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी? ये सीधे पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तानी टीम को नीचा दिखाने वाली बात हो गई। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान तो काफी ज्यादा गुस्से में दिखे। इसके बाद शोएब अख्तर ने बड़ा बयान दिया। शोएब अख्तर ने कहा, जिस तरीके से वसीम भाई भारतीय खिलाड़ियों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, वैसा प्रेम उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रति दिखाना चाहिए। वर्ल्ड कप में वसीम भाई वहीं पर मौजूद थे और पाकिस्तानी टीम भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से हमारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई नहीं किया। हमारे खिलाड़ियों को केवल ट्रोल किया गया। ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारे देश के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इस तरीके की सहानुभूति और हौसला अफजाई कभी नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ वसीम भाई इस चीज को समझेंगे और आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद हफीज ने तो बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, सूर्य कुमार यादव को गले लगाना ये सब एक दिखावा है, केवल लाइमलाइट में बने रहने के लिए वसीम भाई ने ऐसी हरकत की है, लेकिन मैं फिर भी इस बात की निंदा करता हूँ। उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। जिसका जो काम होता है वो अपना काम करे, बाकी जो चीजें हैं उसे अवॉइड करें। हमारे देश में भी बहुत से खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस तरीके का अप्रिसिएशन मुझे कभी नहीं दिखा। दोस्तों, वसीम अकरम ने सूर्य कुमार यादव को गले क्या लगा लिया, पाकिस्तानी खिलाड़ी बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वसीम अकरम ने सूर्य कुमार यादव यानी कि एक भारतीय खिलाड़ी को गले लगाया है। वैसे आपके हिसाब से क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव बेहतरीन खिलाड़ी है या फिर ऋषभ पंत? और क्या इस बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।